रमजान का टाइम आ गया है, मतलब महीना चल रहा है ये, तो मैंने सोचा कि टाइम टेबल बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत आप सबका मतलब मैसेज आ रहा था कमेंट्स में कि आप टाइम टेबल बना दीजिए प्लीज़ एक। तो मैंने सोचा कि टाइम टेबल, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिटी पेज पे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। एंड फजर का नमाज़ पढ़ लिया और टाइम हो रहा है 5:17, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊं कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए और आप लोग भी मतलब उस हिसाब से अपना टाइम टेबल भी फॉलो करो। एंड आप लोगों का टाइम टेबल क्या है ये भी मुझे बताना आप लोग अपने कमेंट्स में। एंड मैं अभी जा रही हूँ लेक्चर लेने अभिषेक सर का, तो अभी 5:17 हो रहा है ना, तो मैं 5:17 to 11:17 तक क्लास लूँगी, मतलब 6 आवर्स में हो जाएगा मेरा, 7 आवर का क्लासेस है वैसे तो, लेकिन 6 आवर में मैं कंप्लीट कर लूँगी। एंड क्योंकि मुझे इसमें से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और सर जो बताएंगे तो उसको मैं थोड़ा स्पीड में देखूँगी, तो इसी वजह से। एंड आप लोगों को मतलब एक टाइम टेबल चाहिए, तो मैंने वैसे तो एक वो कर लिया है कि 4 बजे उठेंगे एंड तहज्जुद पढ़ेंगे, और तहज्जुद में हम दुआ करेंगे अपने लिए, हम आपके लिए, मतलब आप लोग हमारे लिए, मतलब सबके लिए और अपने लिए भी। और तहज्जुद की मतलब सुना है ऐसी दुआ, मतलब तहज्जुद में जो दुआ करता है ना उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। जैसे हम फजर का नमाज़ पढ़ेंगे, सेहरी खाएंगे, सेहरी का टाइम हो जाएगा, और सेहरी में थोड़ा बहुत अपनी मम्मी का हेल्प करना हो तो करना, मतलब कर लेना। उसके बाद से सेहरी के बाद से फजर का नमाज़ एंड कुरान शरीफ। तो मैंने ना सेहरी करने के बाद से बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, तो उसमें मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ एंड उसके बाद से फजर का नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद से मैं अभी पढ़ने आ गई, तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती, लेकिन आप मुझे बताना था तो इसी वजह से मैंने सोचा बता देती हूँ। उसके बाद से 11 to 1 मैं 2 आवर्स के लिए मैं सो जाऊंगी। मेरा इधर ध्यान नहीं है कि कितना टाइम है, क्या हो रहा है, मुझे इधर ध्यान है कि मुझे कितना करना है, कैसे करना है ना। तो इसके बाद से 2 आवर का स्लीप, क्योंकि मैं हम 4 बजे उठे हैं तो जाहिर सी बात है नींद आने लगती है, और 2 घंटे के बाद से हम उठेंगे एंड फ्रेश होंगे, नहा धो लेंगे, उसके बाद से नमाज़ पढ़ लेंगे। नहाने में कितना टाइम ही लगता है, उसके बाद से नमाज़ पढ़ के एंड फिर 2 से 5 मेरा 3 आवर्स का एक फिर सेल्फ स्टडी होगा, एंड उसमें मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी जो सर ने पढ़ाया है, उनके क्वेश्चन कैसे किया है उन्होंने, क्योंकि जब क्लास करो तो समझ आता है, उसके बाद नहीं आता है तो उसी को तो देखना है, उसी को बार बार समझना है, एंड नहीं आया तो फिर मैं सर का लेक्चर देखूँगी, मतलब वापस से पूरा नहीं, सिर्फ उस क्वेश्चन को देखूँगी सर ने कैसे किया है एंड मैं बिना देखे बनाऊँगी, एंड उसके बाद से मैं सही है या नहीं उस हिसाब से मैं फिर सर का क्वेश्चन चेक करूँगी कि सर ने कैसे किया है। एंड उसके बाद से हमारा फिर मगरिब का टाइम आ जाएगा, मतलब असर का नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मगरिब, फिर इफ्तार का टाइम आ जाता है, तो हम वो करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना तक रखते हैं, उसके बाद का मैं बताऊँगी कैसे क्या करना है। क्योंकि मेरा ना वैसे टाइम टेबल पहले बना, मैंने सोचा था कि 6 बजे से पढ़ाई होगा, लेकिन नहीं, अब अभी से स्टार्ट कर देंगे 5:20 से, तो चलो क्लास करते हैं। हो गया मेरा लेक्चर अभी अभिषेक सर का, एंड मैं अपने रूम से यहाँ पे आके मुझे पढ़ाई करना पड़ा, क्योंकि मेरे रूम में चिपक ली था और मेरा ध्यान बार बार उधर ही जाता कि कहीं मेरे पास ना आ जाए, मेरे पास ना आ जाए, तो इसी वजह से मैं इस रूम में आके पढ़ने लगी। तो मैं बहुत ज़्यादा अब थक गई हूँ और तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ी वीकनेस हो गई है इसी वजह से, तो अब मैं जा रही हूँ 2 घंटे के लिए मैं सोने के लिए। ठीक है, टाइम हो रहा है 1:48 और मैं जा रही हूँ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जोहर का नमाज भी पढ़ लिया है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं करूँगी वर्क एनर्जी एंड पावर का, और सर्कुलर मोशन भी मैंने पढ़ लिया है तो उसी में, तो उसका भी करूँगी क्वेश्चन, एंड मैं करूँगी पंच, मैं करूँगी इससे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एनालिसिस है 2023 टू 2014 का, एंड यहाँ पे टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एनालिसिस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन तो मतलब आते ही हैं, और इधर पहले बहुत ज़्यादा आते थे लेकिन इधर दो क्वेश्चन आने लगे थे, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, एक आए चाहे दो आए तीन आए, लेकिन आते हैं क्वेश्चन इससे, इस चैप्टर से। तो फॉर्मूला दिया है तो मैं एक बार उसका रिवीजन करूँगी ये इसका, एंड उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से एनसीईआरटी टॉपिक वाइज एमसीक्यू एंड देन थ्योरम। यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया रहेगा और ये रैंक बूस्टर एमसीक्यू है। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड भी है एंड AR MCQ भी है, AR मैच द कॉलम्स, NCERT एग्जाम्पलर MCQ एंड पास्ट 5 ईयर्स में MCQ क्वेश्चन। तो मैं अभी सिर्फ NCERT बेस्ड जो है वो करूँगी, और फिर मैं रिवीजन का जब टाइम रखूँगी देन उसके बाद से मैं स्टेटमेंट ये सब वाला करूँगी, रैंक बूस्टर करूँगी, उसके बाद रिवीजन के बाद से एक मतलब 3 दिन बाद या 4 दिन बाद रिवीजन जब करती हूँ मैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करूँगी। एंड अभी मैं सिर्फ NCERT टॉपिक वाइज करूँगी, जो कि है 99 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। कम्प्लीट हो गया मेरा 99 था क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और टाइम हो रहा है 5:20 और असर का जान हो गया है, तो मैं सबसे लेट हो जाऊंगी, तो जा रही हूँ सबसे पहले असर का नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद से मैं दिखाऊंगी क्या क्या इफ्तार में बना है। और चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं खजूर और जूस पीऊँगी और चना चाट खाऊँगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाऊँगी। ये जो ऑयली दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं, पकौड़ी वकौड़ी कुछ नहीं। तो नमाज़ भी पढ़ लिया मगरिब का एंड इफ्तार भी हो गया, और अब मैं जा रही हूँ जो देखने के लिए कौन सा मतलब क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता, मतलब पता है लेकिन देखना है कि कौन सा गलत कौन सा सही, कितने सही किए कितने गलत किए, तो अभी मैं वो चेक करने जा रही हूँ। और उसके बाद से मैं PYQ सॉल्व करूँगी, और ये मैं कब तक करूँगी, जब तक अजान ना हो जाए, लेकिन मैं अजान होने के मतलब ईशा का अजान होने के आधा एक घंटा बाद ही मैं उठूँगी, उसके बाद से ईशा का नमाज़ पढ़ूँगी और जो पढ़ना होगा उसके बाद पढ़ूंगी, उसके बाद से मैं सो जाऊंगी, ठीक है, यही मेरा टाइम टेबल है। और मैं रात वाले के लिए मैं यही बोलूंगी कि जो रात को मतलब पढ़ते हैं उनके लिए मैं एक टाइम टेबल बता देती हूँ, रात को पढ़ते हैं ना मतलब उनके लिए सबसे अच्छा टाइम टेबल ये होगा कि वो ना 11 बजे से पढ़ने बैठे, मतलब तरावी या फिर तरावी पढ़ते होंगे, जो तरावी पढ़ते होंगे मतलब मैं बोलूँगी जाकर पढ़ा करो यार, तो जो पढ़ते होंगे तरावी तो वो 11 बजे से स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ना, और 11 से 4 हाँ 4 बजे तक पढ़ाई करेंगे, मतलब टोटल मेरे ख्याल से 5 आवर्स हो जा रहा होगा, और बीच में ब्रेक लेकर अपना, और उसके बाद से 4 बजे से अपना वजू करेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे सहरी में, और उसके बाद से मगरिब उसके बाद से कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाएंगे। बहुत टाइम रहता है सहरी और अजान फजर के अजान के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, तो उसमें हम अपना कुरान शरीफ पढ़ेंगे, और उसके बाद से अजान होगा हम नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद से सो जाना, जो रात को पढ़ते हैं ना वो सो जाना, उठना सुबह 11 बजे, जैसे कि 6 बजे सो रहे हो तो 11 बजे उठ जाना या 12 बजे उठ जाना, उसके बाद से अपना नहा कर अपना फ्रेश होकर और फिर नमाज़ पढ़ लेना, और उसके बाद से फिर अपना क्लास स्टार्ट कर देना 2 से 3 और 3 से 4 और उसके बाद से मतलब सॉरी 2 से 5 तक, और उसके बाद से अपना जो असर का नमाज है ये सब तो वो सब करना, उसके बाद से फिर टाइम मिले तो अभी पढ़ने बैठ जाना, और फिर ईशा का नमाज़ पढ़ के अपना जैसे स्टार्ट किया फिर 11 बजे से 4 बजे तक का वो आपका रहेगा। तो मैं बोलूँगी 11 बजे से 4 बजे या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर आप क्लास कर सकते हैं, जैसे उम्मीद सीरीज बहुत लॉन्ग क्लासेस होते हैं, बहुत सारे बच्चे उम्मीद सीरीज देखते हैं, उम्मीद का बैच वो
उम्मीद भाई से पढ़ते हैं, या फिर अभी ऐसा लास्ट टाइम है कि सब वन शॉट ही देखते हैं, तो वन शॉट थोड़े लंबे होते हैं, तो वो हम उस टाइम पे भी कर सकते हैं, और बाकी 3 आवर्स 2 आवर्स जो मिल रहा है हम उसमें अपना सेल्फ स्टडी करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं यही बोलूँगी। तो ठीक है फिर कल मिलते हैं, और अभी फ़ोन का काम है मेरी सिस्टर को, तो अभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, तो बस मैं इतना बता दे रही हूँ आप लोगों को, और उम्मीद है आप लोगों को मतलब हेल्प हुआ होगा, और आप लोग इस मुबारक दिन में हमारे लिए भी दुआ करना प्लीज़, मेरे लिए दुआ करना, हम सबके लिए दुआ करना, और अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना बहुत ज़्यादा, बाय, अल्लाह हाफिज़।